हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? हम लोग उठ गए हैं और आज सोचा साइकिलिंग किया जाए। सुबह के 7 बजे है तो चलिए हमारे साथ साइकिलिंग करने के लिए। तो देखिए, साइकिल एकदम रेडी है जाने के लिए। और ये देखिए, सूरज देवता एकदम से धीरे धीरे से उग रहे हैं। और यहाँ पे गार्डन की हालत बहुत खराब है, सफाई की जरूरत है। ये हमारी स्ट्रीट है, देखो अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे लोग जागेंगे और बाहर आएंगे। एनीवेज संडे है तो धीरे धीरे सबका शेड्यूल चलता है। और घर के बाहर बाजू में ही, मेरे घर के बाजू में ही एक बड़ा सा गार्डन है, बच्चों के लिए प्ले स्टेशन है वहां पे खेलने के लिए। तो चलिए साइकिलिंग स्टार्ट। ये जगह ही ऐसे, यहाँ पे सब लोग साइकिलिंग वॉकिंग करने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल होता है एकदम। और देखिए ये डक्स, देखिए एक दूसरे के साथ मिंगल मिंगल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। उनके जो टब है उसमें उनके दाने होते हैं, वो खा रहे मस्त। और ये देखिए एकदम ब्लॉसम पिंकी पिंकी एटमोस्फियर। देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। यहाँ पे रेडी है हमारी चाय। हमने कल ही डिसाइड किया था कि यहाँ पे आके हम चाय पियेंगे। सुबह उठ के मैंने जल्दी जल्दी बना लिया था। यह चाय गरम गरम चाय। आप भी आ जाइए चाय पीने। अभी देखो देखो बहुत गुस्से में, बहुत ही गुच्छे में है। मुझे 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 कहाँ हो गया छोटा बाबू? क्यों लोल है, क्यों लोल है? कहाँ करना है? दूध बनाए मम्मा। देखो ये अभी रेडी है अपना दूध पीने के लिए, बहुत गुस्सा है उसको, जल्दी दूध पीना है। थोड़ा कर्टेंस निकाल दिया जाए तो लाइटिंग। दूध लाओ ना मम्मा। तो विहा ने दूध पी लिया है और अभी मैं घर का डस्टिंग कर रही हूँ। मिट्टी भी इतनी आती है ना समझ में, बहुत एक लेयर सा जम जाता है फर्नीचर पे, तो वो सब सफाई रोज करनी ही पड़ती है। और सब चीजें मैली भी इतनी होती है ना, डस्ट इतनी लगती है ना। और ये कवर भी ना इतना जल्दी गंदे होते हैं ना कि उनको ना मशीन में डालना ही पड़ता है वीक में 2-3 बार। अभी रूम की सफाई हो गई है तो अभी बर्ड्स को दाना दे। चलिए, और ये सब भी सफाई करनी पड़ेगी। देखिए कितनी मिट्टी जमी है इधर, या विंडो में देखिए, ये सब अभी होगा साफ। लंच रेडी हो गया है। लंच में मैंने बनाई है बिरयानी। आज मैंने उसका कुकिंग ब्लॉग भी बनाया है, तो ये ब्लॉग देखने के बाद मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप उसका
वीडियो भी चेक कर सकते हो। तो खाया जाएगा अभी बिरयानी, यम्मी यम्मी सा। देखिए ये व्लॉग मैं जब रिलीज करूंगी उसके बाद इसका वीडियो आएगा, तो आप इसे चेक करेगा अगर आपको बिरयानी सीखना है तो। चैतू देखो खाके बताओ कैसा बना है बिरयानी। उसके साथ मैंने बनाया है रायता, अनियन रायता। रायता में मैंने डाला है अनियन, ब्लैक पेपर पाउडर एंड कोरिएंडर। लेट्स हैव अ टेस्ट। कैसा बना है जीतू? अच्छा हम लोग बच्चों को लेके बाहर आए हैं। चैत्रा और आनंद बास्केटबॉल खेल के आए और मैं बिहू को घर से लेके आई हूँ। रवि जय सीधा सीधा चलो। अरे वाह बिहू को बॉल से खेल रहा है बिहू। वाह 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 वाह। चलो चलो आजा ऐसे ऐसे चलो आजा। बिहू किससे खेलेगा? क्या है ये? क्या है ये? ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर देखो सनसेट होने जा रहा है और ये हमारा छोटू है कि इसमें से उसको उतरना ही नहीं है। आ जाओ बिहू आ जाओ। और ये हम लोगों ने ना स्लोप पे बहुत एंजॉय किया। बहुत टाइम बाद ना आए हम यहाँ पे ऐसे स्लोप करने के लिए। कोरोना की वजह से अभी बच्चे घर में ही रहते, इतना बोर हो जाते हैं, तो आज उनको इतना अच्छा लगा ना, बहुत मजा आया। अभी हम घर जा रहे हैं और रास्ते में से थोड़ा सोचा स्टोर जाके थोड़ा सामान और स्वीट्स लेके आए। कल होली है ना, सेलिब्रेशन होना चाहिए है ना विहू। मजा आया ना खेल के? हे विहू चाहिए तो मजा आया तुमको? तो फ्रेंड्स डिनर हमने कर लिया है और अभी थोड़ा बाहर वॉक के लिए आए हैं और एक अच्छी सी जगह पे बैठे हुए है। देखो सामने इतनी सारी लाइट्स है और ये एक पॉन्ड है जिसके अंदर कलरफुल फाउंटेन्स है।
तो ये हुआ हमारा होली का सेलिब्रेशन, बहुत ही सिंपल सा, जो हर साल तो बहुत ही ग्रैंडली होता है हमारे यहाँ पे टाउनशिप में। बहुत ही अच्छा सा अरेंजमेंट होता है, सेंट्रल ग्राउंड करके एक प्लेस है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से शावर्स लगाए होते हैं, लाइव जलेबीज होती है, ठंडाई होती है, ऐसे ऐसे सेलिब्रेट होता है। बट कोरोना की वजह से ज़्यादा इस बार सेलिब्रेशन नहीं हुआ, तो हमने बच्चों के लिए गार्डन में ही अरेंजमेंट कर दिया। और हमारे नेबर के दो बच्चे भी आए हैं, उनको हम ना नहीं बोल पाए, उनको भी बच्चों को टब देख के बहुत मन कर गया खेलने का, तो हम उसको मना नहीं किया और बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। कुल मिलाकर बहुत मजा आया, ठंडाई किया, स्नैक्स खाया, स्वीट्स खाया। एंड करने जा रही हूँ, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और देखते रहिए मेरा चैनल आई एम नारी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी होली।